तो 1975 में जब हमने एंटर किया तो इमरजेंसी लग गई वी वर लक्की कि हमारी रैगिंग नहीं हुई थी तो बाहर हुई थी रैगिंग किसी ने वो सीनियर्स ने ऐसे हाफ पूछ काट दी तो ऐसे हुई। गए मतलब बहुत मतलब डिसेंट रैगिंग थी नॉट दैट इन डिसेंट पाल भट्टे चलो फेमस तो बहुत बाद में हुए जब जब पहली बार उन्होंने लोड़ी जब मैं नमाए लोड़ी गाई तो उन्होंने लोडी तो इंग्लिश में गाई, गाई। सोंडर मोडरी है हो तू तो योर होस पोस्ट हो योर डॉटर्स मैरिज लाइक दैट तो वो भी जालंधर से मैं भी जालंधर से तो मेरा खास प्यार था पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्लोबल एलिमनी मीट हो रही है काफ़ी पुराने दोस्त यहां पर मिल रहे हैं हमारे साथ अशोक बाबा जी हैं इनसे बातचीत करते हैं 79 में ये पास आउट हुए थे 75 में ये एंटर करते अशोक बाबा जी आज आप काफ़ी सालों बाद यहां पर आए हैं ग्लोबल एलिमनी मीट हो रही है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी स्टेलजिंग फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर हमने चार साल बड़े अच्छी तरह से गुजारे हैं तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई कम या तो और यहाँ के बड़ी पुरानी यादें हैं हॉस्टल में रहते थे तो चार साल हॉस्टल में भी रहे तो 1975 में जब हमने एंटर किया तो एमरजेंसी लग गई वर लक्की कि हमारी रैगिंग नहीं हुई थी तो बाहर हुई थी रैगिंग रैगिंग किसी ने वो सीनियर्स ने ऐसे हाफ मूछ काट दी तो ऐसे हुई थी मतलब बहुत मतलब डिसेंट रैगिंग थी नॉट दैट हिंदी से बात की जब आप एंटर हुए थे 75 में में लग गई थी तो उस टाइम चंडीगढ़ में कैसा दौर था कैसा होता था सर कोई वी आर नॉट कंसर्न के बाहर क्या हो रहा था तो क्योंकि हम बाहर से आए थे आई केम फ्रॉम जलंधर तो हमें मतलब वी आर नॉट कंसर्न विद पॉलिटिक्स हमें तो ये था कि एमरजेंसी लगने से हमारी रैगिंग बच गई थी बस तो आप बाहर जा पाते थे नॉर्मली मिल पाते हाँ, थे कि हॉस्टल में नहीं कुछ ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एमरजेंसी में भी ठीक रहा है ऐसी कोई बात नहीं और उस टाइम पे जो रैगिंग होती थी वो किस तरह होती थी सीनियर किस तरह की रैगिंग करते थे सीनियर मैंने बताया ना उस पहले उस हमारे से पहले थोड़ा इंडिसेंट होती थी उस वक्त डिसेंट रैगिंग होती थी तो मतलब ऐसे मैंने जैसे बताया बाहर गए हाफ मोस्टिज काट दिया और बस थोड़ा ये लड़की का नाम पूछो ये है बस इतना साज सर जसपाल भट्टी जी आपके सीनियर थे स्वर्गीय जसपाल भट्टी जी को हर कोई याद करता आगे, है पैग से उनका नाता था तो आप कैसे याद करते हैं जसपाल भट्टी चलो फेमस तो बहुत बाद में हुए हैं जब जब पहली बार उन्होंने लोडी जब मैं नुमाई लोडी गाई तो उन्होंने लोडी इंग्लिश में गाई सोंड्रो मोन्ड्रिया होउ हो योर डॉटर्स मैरिज हो लाइक दैट तो उसके बाद वो हमारे हॉस्टल में आते थे सरप्राइज़ देते थे रात को एकदम ढोलकी छहने वगैरह लेके आ जाते थे और ऐसे डरा देते थे हमें पता नहीं क्या हो गया जैसे भूत वगैरह आ गए थे बट वी यूज इन्जॉय हॉस्टल ग्यारह सेक्टर से ये यह यहाँ पे लेके आते थे तो वहाँ वहाँ पे वो आते वहाँ से चार बंदों ने एक बंदे को ऊपर उठा लेना और वहाँ से लेके आना बोलते जाते आना राम नाम सत्य है मुर्दा वाके अठ है मतलब लाइक दैट ना ही यूज टू तो एंटरटेन तो बहुत जी पहले से ही ऐसे थे और जैसे उनका बाद जी, में जी 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 बिल्कुल कार्टूनिस्ट भी थे बट ये वो उन्होंने उनका एंटरटेन करने का उनका शुरू से ही वॉज ऑलवेज ऑल टुगेदर डिफरेंट तो वही इंजॉयड हिज कंपनी तो वो भी जलंधर से मैं भी जलंधर से तो मेरा ख़ास प्यार था उनके साथ पैकी एक कोई ऐसी याद जो आप बुलाए नहीं भूलते उस टाइम की फ्रेंड सर्कल की कुछ ऐसी याद जो अब काफ़ी चेंज हो गया नहीं पहले हॉस्टल में रहते थे मतलब मतलब हम बड़, कंपनी बड़ी अच्छी क्योंकि ये बाकी मीडिया तो होते ही नहीं थे और टी वी टी मोबाइल फ़ोन टी वी वगैरह नहीं थे तो हम क्या करते थे मूवीज़ देखने रात को पैदल पिगैडली थिएटर सेक्टर थर्टी फोर में है तो हम हाँ यहाँ से तो पैदल चले जाते थे और पैदल आ जाते थे थोड़ी फाइनेंशियल भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती थी तो वो बस ऐसे ही है वो हम इंजॉय करते थे रास्ते में रोज गार्डन में रुक जाते थे तो इधर काफ़ी मतलब वो वहीजॉय रॉक गार्डन वगैरह में थे कोई आपका पुराना यहाँ पर कोई फ्रेंड मिला जिसको देखकर आप हैरान हुए सरप्राइज हुए आ, अभी आई एम एक्सपेक्टिंग अभी मैं मिले हैं वो सिक्सटी नाइन बेच के हैं मेरे दूर के रिलेटिव भी हैं उनको मिलकर बड़ी खुशी मिली थैंक तो, यू तो ये अशोक बाबा जी थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एमरजेंसी के दौर में ये यहाँ पर कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था उसके बाद 79 में जब ये पास आउट हुए तो स्वर्गीय जसपाल भट्टी इनके सीनियर थे उनके साथ के इन्होंने अनुभव हमारे साथ साझा किए कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह के सी जगबाई टीवी चंडीगढ़